नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनकर तैयार हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार समेत 15 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर तमाम बड़े एनडीए के चेहरे, एनडीए के बड़े नेता मौजूद रहे और इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से बिहार का सीएम बनने को लेकर बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, जो हम आपको अभी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। आप देखिए, इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि एक बार फिर से बिहार का सीएम बनने के लिए नीतीश कुमार को ढेर सारी बधाइयाँ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि बिहार में अब एनडीए की नई फैमिली, आप इसमें देख सकते हैं उन्होंने एनडीए फैमिली लिखा है, यानी कि एनडीए का परिवार बन चुका है और ये परिवार बिहार के लोगों के लिए सही तरीके से काम करेगा। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को ये सुनिश्चित भी किया है कि केंद्र सरकार से जितनी भी मदद होगी, जो भी संभव हो पाएगा, वो सब कुछ बिहार के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की जीत का सबसे बड़ा श्रेय पीएम मोदी को ही जाता है, क्योंकि जब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस वक्त पीएम मोदी ने बड़े ही अच्छे तरीके से चुनाव प्रचार किया था। कुल 12 रैलियां उन्होंने बिहार में की थी और जब भी वो आते थे बिहार का माहौल बदल देते थे। बिहार के लोगों के अंदर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर अलग सा जोश भर देते थे। उनकी हर एक रैली में उन्हें सुनने के लिए हजारों और लाखों की संख्या में लोग पहुंचते थे और उन्होंने हर एक मुद्दे को बारीकी से उठाते हुए कई सारे वादों के साथ साथ जिस तरीके से विपक्ष पर हमला किया और जो जनता के अंदर मैसेज पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की, वो भरपूर अच्छे तरीके से जनता के अंदर पहुंचा। और शायद यही वजह है कि उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को बड़ा वोट मिला है और इस बार बीजेपी ने बिहार में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बीते कई चुनावों की अगर आप बात करेंगे तो हर चुनाव से बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का इस बार रहा है। एनडीए की पूरी टीम में, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम पार्टी है, उसमें सबसे ज़्यादा सीटें, 74 सीटें बीजेपी के खाते में गईं और ये पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में इतनी सारी सीटें जीती हों। तो इन सब का श्रेय पीएम मोदी को दिया जाता है। तो फिलहाल बिहार में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसको लेकर पीएम मोदी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हुए साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने ट्विटर के जरिए बधाई दी है कि अब बिहार में सही तरीके से काम होगा। पहले भी वो जब भी अपने भाषण बिहार में देते थे, जब भी वो जनसभा को संबोधित करते थे, उस दरमियान भी वो यही कहते थे कि अगर डबल इंजन की सरकार बिहार में आती है तो विकास का रफ्तार जो है वो दुगना हो जाएगा, क्योंकि बिहार में भी एनडीए की सरकार और केंद्र में भी एनडीए की सरकार, तो समन्वय सही तरीके से बैठ पाएगा, तालमेल सही तरीके से हो जाएगा और उसके बाद बिहार का जो विकास है वो अच्छे तरीके से तेजी से होगा। और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, उसका कहीं ना कहीं फायदा पूरा का पूरा बीजेपी को मिला है। और आज जब एनडीए की सरकार बिहार में बन चुकी है, नीतीश कुमार की टीम तैयार हो चुकी है, तो पीएम मोदी ने उस पूरी टीम को, उस पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।